एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? खूबसूरत कैसे? बहुत अच्छे होंगे। सो ये हम लोग निकल गए हैं घर से और ये है आईआईटी गेट एंड ये ब्लॉग है 5 मई का और आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग निकले थे घर से अराउंड आफ्टर 9 o'clock। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं सो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ब्लॉग को ज़रा सा स्किप ना करिएगा। और ये हम लोग आ गए हैं कानपुर सेंट्रल एज यू कैन सी दैट। और यहाँ पे भाई और आदित और ये जा रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेने। सो यहाँ पे बाबू और हम एना जो कानपुर सेंट्रल है वो देख सकते हैं कितना प्यारे तरीके से बनाया गया है। सो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा कानपुर सेंट्रल। और चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और ये हम लोग चल रहे हैं बंदर की तरफ। सो यहाँ से होती है एंट्री और ये हम लोग एंटर हो चुके हैं। और सो ये है हमारा प्लेटफॉर्म कानपुर सेंट्रल का जो कि कुछ इस तरीके से है ना, नाइट में कुछ इस तरीके का यहाँ पे सीन होता है। और अब हम लोग को जाना है नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। सो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और अपनी ट्रेन का कर रहे हैं वेट। एंड हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली है 11:10 पे। सो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वेट और ये बाबू बैठी हैं। एंड इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है और ये है उसका नेक्स्ट डे मीन 6 मई की मॉर्निंग में 5:30 के बाद कुछ बहुत ही प्यारा सा व्यू आता हुआ। सो उसकी मैंने क्लिप ले ली है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। कितनी छोटी छोटी चिड़िया आ रही है, बर्डी आ रही है। सो अभी हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है MP में और अभी काफ़ी कुछ आने वाला है सो आपको दिखाएंगे। सो ये है भोपाल स्टेशन। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 7 o'clock और हम लोग आ चुके हैं भोपाल और हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी है भोपाल जंक्शन में, मतलब भोपाल स्टेशन पे खड़ी है अभी। कल नाइट में हमारी जो ट्रेन थी वो टाइम पर आ गई थी बट मैंने उसके बाद कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। सो डायरेक्ट मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। 11:25 पे कानपुर सेंट्रल से मतलब निकल गई थी और हम लोग उसके बाद आने के बाद मतलब सो गए बिकॉज बाबू भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो वो नींद आ रही थी तो सुलाने लग गए और हम लोग भी सो गए। बाबू अभी उठ गई हैं और यहाँ पे एंड अभी आपको दिखाएंगे कि हमारा जो कूप है वो किस तरीके का है। सो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे, एज यू कैन सी दैट। एंड अब काफ़ी बड़ा भी था ये, देखा कितना बड़ा था ना बाबू। हमारी ट्रेन उसके ऊपर से जाती है ना, पानी में से कैसे जाएगी, उसके ऊपर से जाती है। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं इटारसी जंक्शन। बाबू उठे थे तो उनको दे दिया था कुछ नाश्ता करने के लिए सो वो कुछ खा चुके हैं। सो फ्रूट्स वगैरह लिया है सो वही हम लोग खाएंगे एंड देन उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ होता है। इतना ज़्यादा यहाँ मस्ती कर रही है, ये देखो क्या कर रही है, उनकी बदमाशियाँ कुछ इस तरीके से है अकेले में भी। सो बाबू यहाँ पे अपने मामा को परेशान कर रही थी सो कुछ इस तरीके से इनकी मतलब पूरे रास्ते भर ऐसे ही आई हैं बदमाशी करते हुए। वो अपने मामा को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हैं अभी। बाबू बेटा नीचे बैठ जाओ, कितनी बदमाशी करती हो। मुझे बदमाशी करना बोले। नहीं बदमाशी नहीं करते बेटा, बैठ जाओ नीचे। आँख में बाल है तो मिलेंगे। सो दिस इज अवर कूप एंड फ्रंट में है मिरर और ये है विंडो। यहाँ पे बहुत ज्यादा बदमाशी करी थी ये। खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, स्टार्ट कर देती है वो देखेंगे। सो काफ़ी प्यारा सा व्यू आता हुआ। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं खंडवा। खंडवा से निकले आई थिंक आधे घंटे हो गए। खंडवा जो है वो अराउंड 12 बजे आ गई थी 12 o'clock पे। सो खंडवा से निकल चुकी है और पता नहीं अभी कहाँ चल रही है। एंड नासिक जो है वो शाम के 5:30 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है। नासिक में काफ़ी कुछ है आपको दिखाएंगे, लाइक वहाँ ग्रेप्स के खेती वगैरह होती है,
नेपा नगर, ये कुछ नया नाम है नेपा नगर। अरे गिर गया, गिर गया। बाबू जूस दे, ऑरेंज पियोगे? ऑरेंज जूस। बाबू तुम्हें बनानास की खेती देखनी है? हाँ। अभी दिखाएंगे, भुसावल जब आएगा वहाँ पे ढेर सारे बनानास होते हैं, और ग्रेप्स के भी खेती होगी नासिक में, वो नासिक में आएगा, शाम को आएगा, सबको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे इनके निकल रहा है कुछ नासिक आइटम। सो दिस इज रियल 100% ऑरेंज जूस जो कि बाबू का फेवरेट है, सो ये मैंने ले लिया था उनके लिए। ये हमारा ऑरेंज जूस पीना। खट्टा लग रहा है ये। यहाँ से बाहर का सीन कितना अच्छा लगता है, ऐसे देखते चलो। विंडो सीट की बात ही कुछ अलग होती है। बाबू विंडो से बहुत कुछ दिख रहा है ना तुम्हें, देखो पूरी दुनिया दिख रही है इस समय बाबू को। मेरे है उस दिन आइसक्रीम खा लिया था रात को पार्टी में, मौसम भी खराब था, इतना ठंडा आइसक्रीम था उसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा था जुकाम, दवाई वाई ले लिया था। भुसावल आने वाला तभी इतने सारे केले की खेती दिखने स्टार्ट हो गई है ना। 2 बजे आएगा देखा, गन्ने की खेती कितनी सारी है ना। यहाँ पे गन्ने हैं, बनाना है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें पूरा बनाना की खेती देखने को मिलेगी। पापा बनाना के ट्री में मालूम है, बनाने के पास इतनी सारी पॉलिथीन इसलिए लगाई गई है, उसको ढक के रखा गया है ताकि वो कोई तोड़ ना सके और उसको नजर ना लगे ना, नहीं तो बड़ा नहीं हो पाएगा फिर। अभी मैं पी रही हूँ केविंस का काजू बटरस्कॉच मिल्क शेक। सो ये है हमारा फर्स्ट एसी का कोच जो कि कुछ तरीके का है, और अभी आपको दिखाते हैं। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली है ताकि आप लोग इधर शेयर कर पाएँ, एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। सो हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे, सो यहाँ पे मैंने एक क्लिप ले ली है ताकि आप लोग यहाँ शेयर कर पाएँ। और साइड में कुछ इस तरीके से स्टेयर्स बने हुए हैं, आप मतलब यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं, और इसे आप आराम से ऊपर वाली सीट पे जा सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो यहाँ पे ट्रेवल के लिए मैंने लिया था कुछ फ्रूट्स, और ये है ग्रेप्स एंड एप्पल, सो खीरा एंड बनाना, सो ऐसे ही फ्रूट्स ही लिए थे ज़्यादातर, बिकॉज ट्रेवल में वैसे भी खाना वगैरह खाने की इच्छा होती नहीं, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे फ्रूट्स ले लिए थे ताकि बाबू को भी दे पाऊँ और हम लोग भी कुछ खा पाएँ। सो ये हम लोग आ गए हैं भुसावल, और भुसावल में जो बनानास की खेती वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादातर यहीं पे होती है। और जो ये ब्लू कलर की पॉलीथीन आप देख रहे हैं ये है बनानास जो से ढका गया है ताकि वो गिरे ना, और ये छोटे छोटे से प्लांट्स हैं बनानास के, ऐसे काफ़ी कुछ हैं यहाँ पे। एंड भुसावल में आपको ज़्यादातर जो है वो बनानास की खेती ही मिलेगी। तो जो ब्लू कलर की पॉलीथीन लगाई गई थी वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाई गई है बनानास में ताकि वो गिरे ना और अच्छे से पक सके, और अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटे प्लांट्स हैं अभी। सो ये फूड हम लोग ने लिया था ट्रेन में, इसकी प्राइस है आई थिंक 200, और इसमें है 3 पूड़ियाँ मिली थी हमें, एंड अभी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इसमें। एंड लिटरली खाना बहुत अच्छा था, और वैसे तो हम खाना लेकर आए थे घर से बट बाबू थे तो आई थॉट कि थोड़ा सा दाल राइस वगैरह अगर खा लेंगे तो सही है। ये है हमारा राइस दाल एंड छोला एंड ये दिस इज पिकल एंड ये सूखी सब्जी मिलती है। खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें भी। तो ये आलू की सब्जी है सूखी वाली, और ये हम लोग ने लिया था वड़ा पाव। अभी आने वाला है मनमाड़ के बाद नासिक, और नासिक आने वाला है, सो उसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे से ग्रेप्स के जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं अभी, इसलिए क्लियरली दिख नहीं रहा है आपको। सो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आने वाला प्लेटफॉर्म, और
सो ऐसे ही छोटे छोटे से क्लिप ले लिए ताकि आप लोग शेयर कर पाए। सो अभी हम लोग आ गए हैं नासिक रोड और हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, नासिक प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुकेगी, मीन्स 10-5 मिनट रुकेगी एंड उसके बाद यहाँ से निकलेगी। हम लोग घर पहुँचने में आई थिंक 10 बज जाएगा, जैसे 11 बज जाएगा। बनाना रखा है वो तो आप खा नहीं रहे, फ्रूट्स भी नहीं खा रहे हो, ग्रेप्स वगैरह सब रखा हुआ है, खा लो, पापा ने दिया था ना वो आप खा नहीं रहे हो, एप्पल खा लो। अच्छा नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। सो नासिक में आने के बाद ही हम लोगों ने लिया था कटलेस, एंड इसे ब्रेड पकौड़ा भी कहते हैं बट मुंबई में इसे कटलेस कहते हैं, सो दैट्स वाई दिस इज अ कटलेस जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। एंड उसके साथ है ये ग्रीन चिली जो कि फ्राई होती है, हल्का सा सॉल्ट लगा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब हमारी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है नासिक प्लेटफॉर्म से, एंड ये देख सकते हैं नासिक, एंड हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पर चल रही है, बिल्कुल भी डिले नहीं है। सो यहाँ पर काफ़ी प्यारा प्यारा सीन आ रहा था, सो मैंने ले ली है उसकी भी क्लिप। एंड ये जो सीन है मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था, मतलब बीच में झील टाइप का दिख रहा है एंड उसके बाद पहाड़ी टाइप का कुछ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे आने वाला है हमारा टनल, नासिक के बाद जो है कल्याण आने में उसके बीच में कुछ टनल्स पड़ते हैं, आई थिंक 6th और 7th टनल पड़ते हैं, और बाबू को वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही थी। सो जब भी टनल आता था तो बोलते थे कि मम्मा देखो नाइट हो गया है, सो ऐसे ही मतलब वो बातें चल रही थी हमारी, फिर सडन मतलब डे हो जाना, सो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था। रात हो गई, अंधेरा हो, यहाँ मैं बता रही हूँ कि डे हो गया है। हाँ देखो तो फिर एक और टनल आ रहा है, ये 4th वन है, ये 4th वन। सो ये देख सकते हैं जो ट्रक्स जा रहे हैं सारे, वो अभी मतलब पूरे पहाड़ियों पे घूमते हुए जाते हैं, और इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी आराम से मतलब काफ़ी स्लो से जाते हैं लोग, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। सो यहाँ पर ड्राइविंग करना काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ होता है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से रोड वगैरह बनी हुई है। सो ऐसे ही मतलब पूरा राउंड शेप में बना हुआ है पहाड़ियों पर से आते हुए। अभी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से होता है, ये देख सकते हैं कितनी दूर दूर से लोग गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पर ड्राइविंग करना काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है। और अब आने वाला है कल्याण जंक्शन, और ये फाइनली हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, और हमारी जो ट्रेन है वो रुकी हुई है, और यहाँ से अब हमें लगेगा अराउंड 1 आवर। और टाइम के पहले चल रही है फाइनली, थोड़ी देर में अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, आधे घंटे ना, आधे घंटे में अभी अभी कल्याण से निकल चुकी है, तो ये फाइनल ट्रेन के अंदर का कुछ। तो हमारा फाइनली स्टेशन जो है वो आने वाला है, सो ये लास्ट की क्लिप आई थॉट कि ले लिया जाए थोड़ा सा। सो ये फाइनल क्लिप, और बाबू यहाँ पर अपने मामा के साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही हैं। सो हमारा जो लगेज है वो हमने इकट्ठा कर लिया है एक साथ ताकि कुछ भी भूले ना, और अच्छे से हम लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया है, बिकॉज एक बार काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक जो इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है उसकी वजह से काफ़ी केयरफुली मतलब मैंने 2 से 3 बार चेक कर लिया अच्छे से। तो यहाँ पे बाबू अपना जो बिस्किट है वो खा रही है, लिटिल हट्स का इनका फेवरेट है। सो ऐसे ही इनकी यहाँ पे जो बदमाशियाँ हैं वो चलती रहती हैं। Yes. अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। अंधेरे में सबसे अच्छा स्टेशन। घर पे चल तो तेरा गेम कर दूंगा मैं। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर, और हमारी जो ट्रेन है वो हमने टाटा बाय बाय बोल दिया है, और अब हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म के बाहर। और ये देख सकते हैं आप, ये है दादर स्टेशन, और दादर देख के जो मुंबई से होंगे उनको पता होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं।
सो यहाँ पे हमने बुक करी थी कैब और हमारी जो कैब है वो आ गई थी और अब हम लोग चलेंगे घर की ओर। सो उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कहाँ आए हैं, क्या कुछ है, जल्द ही आपको सब कुछ ब्लॉग में पता चल जाएगा। उसके लिए जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले सारी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ये है मुंबई की काफ़ी प्यारा सा व्यू नाइट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है नाइट के टाइम पर। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।